कभी जब साधक गहरी साधना में रत रहता है, तो गुरु उस साधक की परीक्षा लेता है। यही तो गुरु के सानिध्य का प्रमाण है कि वह यह जानना चाहता है कि अभी इसके अंदर कितनी मैल रह गई है। क्योंकि गुरु तो एक डॉक्टर की तरह होता है, वह देखता रहता है कि अभी कितनी मवाद इसके अंदर बची हुई है फोड़े में। वह मवाद को निकाल कर साफ करता है, वहां कुछ रहने नहीं देता, चाहे चीरा ही क्यों न लगाना पड़े, चाहे कितना ही दर्द होता रहे मरीज को, लेकिन डॉक्टर परवाह नहीं करता। इसी तरह गुरु परवाह नहीं करता, वह परीक्षा लेता है कि अभी अंदर क्या बचा है, अभी अंदर कहाँ फसावट है, कहाँ रुकावट है। और गुरु कहता भी नहीं, जताता भी नहीं, मगर उसकी नजर अपने हर एक शिष्य पर होती है। गुरु शरीर नहीं देखता, वह तो चेतना में ही देख लेता है, वह तो अंतर्दृष्टि में ही देख लेता है कि यह व्यक्ति कितना साफ है। जब भी बुद्ध किसी भिक्षु को स्वीकार करते थे, दीक्षा देते थे, तो उसे किसी अपने मुख्य भिक्षु को सौंप देते थे और उस भिक्षु को सौंपते थे जिसके लिए वह नया आगंतुक भिक्षु सूट करता है, जो उसको फैसिलिटेट करेगा, जो उसको समझाएगा, बताएगा। वह उसी मुख्य भिक्षु को भेज उसको सौंपते थे। क्यों? क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि और उसके अंदर की रुकावट, फसावट, उसके अंदर चेतना का क्या तल है, वह कितना साफ हुआ है, उसी अनुसार उसे प्रमुख भिक्षु को सौंपा जाता था। यह बुद्ध की पार की नजर है कि वह किसी भी आगंतुक भिक्षु को पहली ही नजर में देख लेते हैं कि यह किसके सानिध्य में इसकी सफाई होगी। यही काम बुद्ध के गुरु अराड़ कलाम करते थे। वह भी जब किसी को स्वीकार करते थे, उसको किसी प्रमुख भिक्षु के सानिध्य में भेज देते थे। तभी बुद्ध ने जब वहां अपने गुरु के कहे अनुसार, अराड़ कलाम के कहे अनुसार सब कुछ किया, तो अराड़ कलाम ने खुश होकर उनको कई सौ भिक्षु उनके सानिध्य में दिए कि आप इनको स्वीकार करें और इनके ऊपर भी काम करें ताकि इनकी भी सफाई हो सके। तो यह एक गुरु का तरीका है नए भिक्षु को तैयार करने का, उसकी सफाई करने का। वह उस मुख्य भिक्षु के सानिध्य में सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है। धीरे धीरे वह उसमें पारंगत हासिल करने लगता है। बीच बीच में गुरु परीक्षा लेता है, यूं ही देखने के लिए कि क्या चल रहा है शिष्य के अंदर, और उन शिष्यों को भी एक संदेश देता है जो अभी कच्चे हैं, ऊपर ऊपर ही साधना कर रहे हैं, बहुत गहरे में अभी आभास नहीं हुआ है, या साधना की गहराई का अभी उनके अंदर उतना प्रण नहीं जगा, रस नहीं आया, बस यूं ही नियम बस कर लेते हैं। तब बुद्ध उन लोगों के लिए, शिष्यों के लिए भी एक मैसेज देते हैं, एक उपदेश देते हैं। एक तरीका बुद्ध का है कि उनके भी कानों में कुछ पड़े, उनको भी कुछ अंदर से कोई चीज झकझोरे कि जीवन ऐसे ही कुनकुने तरीके से नहीं जिया जा सकता, समाधि इतनी आसानी से फलित नहीं होती। और भरी सभा में सत्संग के बीच में बताते हैं ताकि सभी को उसका अभ्यास हो सके, सभी को उसका आभास हो सके, सभी को उस बात का बहुत अंदर से गहरे में प्रमाण मिले कि अरे
ऐसा भी होता है। यही बुद्ध का तरीका है कि वह किसी भी भिक्षु को उसके अंदर कितनी सफाई हुई है, कहाँ उसकी रुकावट है, कहाँ उसकी फसावट है, कैसे साफ होगा, वह उनका अपना अलग ही तरीका है। वह कोई नहीं जान सकता, वह बुद्ध ही जानते हैं, वह गुरु ही जानता है। एक बार इसी तरह की घटना बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारिपुत्र के साथ घटी। सारिपुत्र को एक भिक्षु भिक्षु सौंपा गया था कि वह भिक्षु सारिपुत्र के सानिध्य में कुछ सीखेगा, उठना बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, सारिपुत्र से कुछ सीखेगा। लेकिन उस भिक्षु ने सारिपुत्र पर ही इल्जाम लगा दिया कि सारिपुत्र उसके शरीर को रगड़ देते हुए निकले और क्षमा याचना भी नहीं की। बुद्ध ने दोनों को बुलाया और सारिपुत्र को कहा कि यह भिक्षु आपके बारे में कहता है कि सारिपुत्र मेरे शरीर को रगड़ देते हुए निकले और क्षमा याचना भी नहीं की मांगी। तब सारिपुत्र ने कहा, भंते, जिसको काया की स्मृति न हो वह किसी भिक्षु के शरीर को रगड़ देते हुए चला जाए बिना क्षमा याचना किए? भंते, जैसे पृथ्वी पर अच्छी चीजें भी गिराई जाती हैं, बुरी चीजें भी गिराई जाती हैं, मल मूत्र थूक मवाद खून सब गिराया जाता है, उससे न पृथ्वी दुखी होती और न बुरा मानती और न ही घृणा मानती। इसी प्रकार भंते, मैं पृथ्वी के समान सहनशील, उदार, महान और असीम चित्त से विचरता हूं, जिसमें न बैर है न विरोध है। फिर सारिपुत्र ने भगवान से कहा, भंते, जैसे जल में सभी बुरी चीजें धोते हैं, अच्छी चीजें धोते हैं, मल मूत्र थूक मवाद खून, उससे जल दुखी नहीं होता, घृणित भी नहीं होता, बुरा भी नहीं मानता, वह तो बहता रहता है, न बैर है न विरोध है। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, जिसको काया का आभास न हो, वह किसी एक ब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ देकर बिना क्षमा याचना किए चले जाए? फिर सारिपुत्र ने कहा, भंते, जैसे वायु भली बुरी हर चीज को उड़ा कर ले जाती है, साफ कर देती है, मल मूत्र थूक मवाद खून आदि लगी वस्तुओं को उड़ा ले जाती है, उससे वायु दुखी नहीं होती और बुरा नहीं मानती, न घृणा करती है। इसी प्रकार भंते, मैं वायु के समान उदार महान असीम चित्त होकर विचरता हूं, जिसमें न बैर है न विरोध है। फिर सारिपुत्र ने कहा, भंते, जैसे किसी कपड़े से भला या बुरा सब कुछ पोछा जाता है, मल मूत्र थूक मवाद खून सभी पोछा जाता है, इससे वह कपड़ा बुरा नहीं मानता, न घृणा करता। इसी प्रकार भंते, मैं उस कपड़े के समान सहनशील, उदार, महान और असीम चित्त से युक्त होकर विचरता हूं, जिसमें न कोई बैर है न विरोध। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह किसी एक सब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ देकर बिना क्षमा याचना किए चला जाए? भंते, जैसे कोई कंगाल अपने हाथ में टोकरी लिए हुए, अपने हाथ में एक फटा बोरा लिए हुए, फटे वस्त्र पहने किसी गांव में प्रवेश करता है, बड़ी नम्रता से प्रवेश करता है, इसी प्रकार मैं उदार महान असीम चित्त से युक्त होकर विचरता हूं, जिसमें न बैर है न कोई विरोध। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह किसी सब्रह्मचारी के शरीर को रगड़ देकर बिना क्षमा याचना किए चला जाए? फिर सारिपुत्र ने कहा, भंते, जैसा कोई सींग टूटा हुआ बैल सुशील संयत विनीत एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर घूमता हो और न पांव से न सींग से किसी को कष्ट पहुंचाता हो,
भंते, इसी प्रकार मैं सींग टूटे हुए बैल की तरह सहनशील, उदार, महान, असीम चित्त युक्त होकर विचरता हूं, जिसमें न बैर है न विरोध। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह किसी एक सहब्रह्मचारी के शरीर को रगड़कर बिना क्षमायाचना किए चला जाए। भंते, जैसे कोई स्त्री या पुरुष जिसने अभी स्नान किया हो और उसको कोई लाश से छूना हो जाए, किसी मृतक सर्प से, मृतक कुत्ते से या किसी मुर्दे से उसका छूना हो जाए, टच हो जाए, तो वह उससे दुखी हो, बुरा माने, घृणा करे। तो भंते, इसी प्रकार मैं इस घृणित शरीर को देखकर दुखी होता हूं, बुरा मानता हूं, घृणा करता हूं। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो गई हो, वह किसी एक सहब्रह्मचारी के शरीर को रगड़कर बिना क्षमायाचना किए चला जाए। भंते, जैसे कोई आदमी अनेक छेद वाली थाली को लिए, जिसके ऊपर नीचे हर तरफ छेद हो, चू रही हो, इसी प्रकार मैं अपने शरीर को धारण किए हूं, जो सच्छरिद्र सच्छिद्र है, जिसमें कई छेद हैं, ऊपर से नीचे हर तरफ से चूता है। भंते, जिसकी कायानुस्मृति अनुपस्थित हो, वह किसी एक सहब्रह्मचारी के शरीर को रगड़कर बिना क्षमायाचना किए चला जाए। इतना कहना ही था कि वह भिक्षु जिसने इल्जाम लगाया था, वह आसन से उठा और भगवान के चरणों में अपने सिर को रख कर कहने लगा, भंते, यह मेरा अपराध है, यह मेरा बालपन है, यह मेरी मूर्खता है, यह मेरा अकुशल कर्म है, जो मैंने सारी पुत्र पर झूठा आरोप लगाया। आप मेरे अपराध को अपराध जानकर स्वीकार करें, मुझे माफ करें, मैं भविष्य में संयत रहूंगा। तब भगवान ने कहा, हे भिक्षु, तेरा निश्चित अपराध है, तेरा बालपन है, तेरी मूर्खता है, तेरा अकुशल कर्म है कि तूने सारी पुत्र पर झूठा आरोप लगाया। हे भिक्षु, अब तू जो अपने अपराध को स्वीकार करता है और धर्मानुसार प्रायश्चित करता है, हम इसे स्वीकार करते हैं, और मैं सारी पुत्र को कहता हूं कि सारी पुत्र इस मूर्ख को क्षमा कर दे, अन्यथा यहीं इसके सिर के साथ टुकड़े हो जा सकते हैं। तब सारी पुत्र ने कहा, भंते, मैं उस भिक्षु को क्षमा करता हूं यदि वह भिक्षु मुझसे यह कहे कि वह मुझे क्षमा करे। यह घटना बुद्ध के सामने घटी और बुद्ध ने इसको अपने उपदेश देते समय लोगों के सामने, सबके सामने कहा और सबके सामने दिखाया। यही एक गुरु की सानिध्य में हम सीखते हैं कि किस तरह से गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है। उसके अनेक तरीके हैं, वह तरीके हम नहीं जान पाएंगे। वह जानता है, रग रग की जानता है, हर चेतना की, हर मन की जानता है। और जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा भाव जगा, उसी ने आध्यात्म के मार्ग पर तरक्की की है, क्योंकि आध्यात्म में सबसे बड़ी रुकावट इसी बात की है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम क्षमा नहीं कर पाते। हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो, या हमें किसी ने गलत सब हमारे साथ कर दिया हो, या हमारे ऊपर कोई ऐसा अपराध कर दिया हो, दोनों ही तरीकों में, दोनों ही कारणों में मनुष्य के मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं, वो बहुत गहरे हैं,
और यह गांठें मनुष्य को आगे आध्यात्म की उन्नति नहीं करने देती अपने किसी भी ऐसे कृत्य के लिए जिससे दूसरे व्यक्ति को तन मन और धन से नुकसान हुआ हो, मानसिक पीड़ा हुई हो, हृदय दुखी और अशांत हुआ हो। उस व्यक्ति से जब भी मौका मिले माफी मांग लेनी चाहिए और अपने को हल्का कर लेना चाहिए, अपने को इन गांठों से मुक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म की राह बहुत कठिन है। यहां वैसे ही बहुत कड़ी मेहनत और निरंतर लगन से अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी मैल और इतनी धूल लगी हुई है चित्त पर, मन पर, कि उसे साफ करने में जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं। मन में किसी भी प्रकार का भारीपन, किसी भी प्रकार की गांठ बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। एक अभ्यासी को हमेशा ही अपने मन को शांत और हल्का रखना होता है, तभी उसकी आध्यात्म में प्रगति होती है, तभी उसका आध्यात्म में मन लगता है। और आध्यात्म में मन को लगाए बगैर, आध्यात्म में आगे को बढ़े बगैर, आध्यात्म में रस को लिए बगैर किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है कि हम समाधि तक पहुंच पाएंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष, घृणा, नफरत, रंज आ जाए किसी के प्रति, तो फिर मार्ग में बाधा आ जाती है, उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए बुद्ध ने द्वेष, राग, रंग, क्रोध, ईर्ष्या को बार बार अपने उपदेशों में व्यक्त किया है कि इनके प्रभाव कितने गहरे हैं, क्योंकि यह मनुष्य की उन्नति नहीं होने देते, चाहे वह जितनी मर्जी प्रयास करता रहे। किसी के प्रति अगर इस तरीके के रंज, इस तरीके के द्वेष और इस तरीके की घृणा आ जाए तो मार्ग में बाधा आ जाती है, यह बाधा बन जाते हैं, क्योंकि आध्यात्म की उन्नति कठोर मन से कभी नहीं हो सकती। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने अपने गलत कृत्य के लिए माफी मांग लेने को और किसी और के द्वारा गलत किए जाने पर माफ कर देने पर जोर दिया है। किसी भी हालत में मन पर किसी भी प्रकार का द्वेष भाव बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगा और आध्यात्म की प्रगति नहीं हो पाएगी, और यह जन्म ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि यहां वक्त बहुत कम है। यह 50 साल 100 साल का वक्त ऐसे ही चला जाता है, और मनुष्य जब अपने अंदर झांकता है और सफाई करने का प्रयास करता है, जब आध्यात्म की तरफ बढ़ता है और मेहनत करता है, अभ्यास करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है, उसके अंदर कितनी मैल है। ऐसे तो बाहरी मन से तो हर कोई, सबको यही लगता है कि वह तो बहुत साफ सुथरा है, उसको तो सब पता ही है, वह तो कर ही लेगा। लेकिन जब अभ्यास का वक्त आता है, जब अभ्यास करना होता है, अभ्यास की तरफ बढ़ता है कोई भिक्षु, कोई साधु, तो तब पता चलता है कि यह कितना मुश्किल है। इसीलिए बुद्ध का सानिध्य चाहिए, इसीलिए किसी गुरु, पूरे गुरु का सानिध्य चाहिए, ताकि वह मन से एक एक लगी हुई उन गांठों को खोले, निकाले और इस मन को साफ सुथरा करके हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करे, हमारे साथ आगे हमें रास्ता दिखाए, हमारा हाथ पकड़कर आगे हमको चलाए। यह मनुष्य बहुत कमजोर है, यह नहीं चल सकता। यह बाहर के मन से, संसारिक मन से इसको लगता है कि यह तो सिद्ध हुआ ही पड़ा है, इसको तो बस थोड़ी सी चिंगारी लगने की जरूरत है, यह तो पार हो ही जाएगा। हर कोई यही मानता है, लेकिन जब अभ्यास करने की बारी आती है तब पता चलता है। इसीलिए हमें बुद्ध के उपदेशों पर बहुत गहरे में मनन करना चाहिए, उनकी बातों को अपने अंदर बहुत गहरे में उतार लेना चाहिए और उन पर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास से ही सिद्धि और निर्वाण घटित होता है।
यह एक दिन का प्रयास नहीं है, यह निरंतर प्रयास, अंतिम सांस तक का प्रयास करना होता है, जिसको बुद्ध ने कहा प्रयास और अभ्यास तब तक करना है जब तक कुछ करने को बाकी न रह जाए। इसीलिए हमें भी बुद्ध के उपदेशों से, बुद्ध के वचनों से इस मनुष्य जन्म को सफल कर लेना चाहिए और अभ्यास पर पूरा जोर लगाना चाहिए।